आज दी एक वड्डी अपडेट। अपने मंगा नू लेके आज पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल मुलाजमान ने संगरूर विखे खजाना दफ्तर अगे जम के रोस प्रदर्शन किया, जिथे इस मौके पर पत्रकारों नाल गलबात कर दिया। आगुओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चोणों तो पहला साडे नाल वादा किया सी कि साडी सरकार बनन तो बाद पुरानी पेनशन स्कीम है जिहड़ी ओह मुड़ बहाल की जाएगी। उन्होंने कहना है कि पर सरकार बनन तो बाद खजाना मंत्री अते मुख मंत्री दोहां वल्लों ही साडियां गल्लां ते साडियां मंगां ते कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा, जिस कारण असी अज इत्थे रोस प्रदर्शन किया है। देखो आज दी इह वड्डी अपडेट साडे कैमरामैन नाल। मनप्रीत कौर है जी, हाँ जी, मैं PSMSU जथेबंदी दे नाल असीं संबंधित हाँ, तो असीं उहदा समर्थन करदे हाँ। साडियां मुख मंगां जिहड़ियां हैगियां ने, असीं जिहड़े नवें भर्ती होए हाँ उहनां दा बहुत शोषण हो रहा। उहनां नूं एक तां देखो पेनशन स्कीम नहीं हैगी, जदों साडी रिटायरमेंट हो जाएगी तां असीं किद्दां अपना गुजारा करांगे। देखो जिहड़े मंत्री ने उहनां नूं पेनशनां मिलदियां ने बट सानूं बिल्कुल भी नहीं हैगी। बाकी देखो DA दे किश्तां पेंडिंग ने, जो पे कमीशन लागू होया साडे ते उहदे विच वी काफ़ी त्रुटियां ने, तां असीं उह सारियां आपणियां मंगां नूं मनवाउण दे लई सरकार कोलों असीं मतलब स्ट्राइक की हुई है। तो जे ये स्ट्राइक के दौरान सरकार ने साडा ना कोई हल किया तो असं ये अगे होर भी तिखा संघर्ष कर। राजवीर बड़ोखा जी, जिला जनरल सकत्र, पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विस यूनियन। जिहड़ा ये प्रदर्शन किया जा रहा जी, ये असी जान बुझ के नहीं कर रहे, ये सानू मजबूर किया गया पंजाब सरकार वालों, क्योंकि पिछले लंबे समय तो असी सरकार नू मंग पत्र दे के, चाहे वह मानयोग डिप्टी कमिश्नर राही होण जां पंजाब सरकार दे MLA राही मीटिंग मंगी गई सी। पर बड़े दुख की गल है, जिथे एक पासे मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि साडे नाल आओ मीटिंग करो, और पिछले 3 महीने तो साडी जथेबंदी नू मीटिंग नहीं दित्ती गई, तो मंगां दा की पूरियां करनियां ने। सो सानू रोस वजों जिहड़ी इह कलम छोड़ है साडी सूबा कमेटी दे हुक्म अनुसार पिछली तकरीबन 15 तरीक तो शुरू हुई है, जो कि अगे अजे चल रही है जी।